एक एग्जाम चर्चा में आपको आज यूपी एनएचएम की 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम छूट चुका है, तो जानेंगे अभी कोई शिफ्ट में मिलेगा आपको एनालिसिस देखने को, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन लेवल कैसा रहा एग्जाम का, तो जानेंगे अभी, बने वीडियो के साथ एंड तक देखिएगा। और जैसे आपको आगे आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपको नेक्स्ट जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे चारों तीन शिफ्ट में एग्जाम है, तीनों शिफ्ट में आपको इसकी एनालिसिस देखने को मिलेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। क्या रहा और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, तो कोई स्टूडेंट मिलता तो जानेंगे अभी, मतलब क्या क्वेश्चन देखने, क्या लेवल रहा एग्जाम का, क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले, तो आइए देखते हैं। हाँ मैम, एक मैम जुड़ी हैं हमारे साथ, तो मैम बताएंगे एग्जाम का लेवल कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नॉर्मल सब एनम पर्पस ही आए थे सारे। हाँ 80% टेक्निकल, वो 80 आपके टेक्निकल आए होंगे, 80 क्वेश्चन 20 जी के। जी जी जी, अब बात करें टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले आपको, कुछ याद हो जैसे कि कोई पोस्टर से मैथ के काफ़ी थे, मैथ के और कोई मतलब बात करें जी के जी एस का क्वेश्चन याद आ रहा, पांच आए होंगे कम से कम, पांच आए होंगे बता दूं। जैसे फादर नेम में मतलब वो होता है कि किसके कौन फादर में कौन क्या लग रहा आप, लेकिन वो आए थे सब जी जी। इसमें तीन क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन याद हो या रीजनिंग में, रीजनिंग रीजनिंग में आए कितने, पाँच क्वेश्चन थे या ज़्यादा थे, दो क्वेश्चन, दो रीजनिंग के। और कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन याद है या शॉर्टकट की वगैरह कोई पूछी गई थी। हाँ उसमें पूछा गया था कि मदर कीबोर्ड में कौन सा फंक्शन यूज होता है, या हुआ था कोई एनएम वाला क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल से आए, वो क्वेश्चन याद आ रहा होगा, जो 80 क्वेश्चन आए थे उसमें। मैं सब बता रही हूँ मुझे यार, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंखों में रतौंधी होता है। और विटामिन से और कोई क्वेश्चन आया था, एक ही विटामिन से क्वेश्चन। हाँ पोषण से या फिर कोई शिशु से या पेशेंट केयर से क्वेश्चन था। हाँ प्रेगनेंसी से काफ़ी आया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है और थर्ड फर्स्ट और थर्ड क्या आए थे। प्रेगनेंसी से कितने क्वेश्चन थे, समथिंग 9-10 क्वेश्चन थे। 9-10 क्वेश्चन। हाँ कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो, और कोई शिशु से या चाइल्ड से कोई क्वेश्चन था। चाइल्ड से क्वेश्चन थे कि जो एनम होती है वो किस ईयर तक के बच्चों का विकास में वो रिपोर्ट लेती है, तो 1 ईयर तक के बच्चों को रिपोर्ट लेती है, स्टार्टिंग में लेती है 1 ईयर से कि उन्हें कितना आ रहा है ऐसे का। अंदर ले जाने दे रहे हैं। अच्छा मैम बात करें तो आलो आप क्या कहेंगे, एनम में किस पार्ट से ज़्यादा कुछ, जो आप 80 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से। टॉपिक से कम्युनिटी से भी आए, चाइल्ड से, बट वो तो समथिंग सब बराबर आए हुए हैं। हाँ सबसे ज़्यादा किससे आ रहे हैं, सर प्रेगनेंसी वाले ज़्यादा आया था। प्रेगनेंसी ज़्यादा। हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। जी मैम आपका बात करें एग्जाम का लेवल कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। अच्छा था, मतलब बात करें जो आपको जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल से थे, टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई अनुवांशिकी से रिलेटेड या फिर कोई खनिज से या फिर विटामिन से क्वेश्चन था कोई। जी विटामिन के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था भैया, ऐसे याद नहीं है ज़्यादा। मैम कोई क्वेश्चन आपको याद है, मैम कोई क्वेश्चन आपको याद